खेली है उसमें 20 ओवर में 220 रन बनाए हैं। हाँ लाइव हाँ। चालू हो गया। एक बार वापस में ड्रेस स्पॉन्सर सीमा झा, प्रवीण कुमार, मिलाप चंद जी परिवार को एक बार वापस बुलाऊंगा, उनके परिवार से जो भी हो, प्रवीण कुमार मिलाप चंद जी के परिवार से एक बार आपको आना है, और आरपीएल कमेटी हमेशा आपका सहयोग की आस में रहेगी। सभी को मैं बुलाना चाहूंगा, नीरज भाई, नीरज भाई, प्रीतम भाई, हम भाई, अंकित भाई, विकास, निशांक, जो भी है सबको आना है। लगभग 1.5 लाख लोग ये लाइव अपना टूर्नामेंट देख रहे हैं, 1.5 लाख के ऊपर अभी व्यू हो जाएगा जैसे ही फाइनल चालू होएगा। लगभग हर साल 2 लाख लोग ये लाइव टूर्नामेंट देखते हैं आरपीएल सीजन का। हाँ, अशोक कुमार जी, इंद्रमल जी परिवार को मैं बुलाना चाहूंगा। अभी टॉपिक स्पॉन्सर हमारे राजेश भाई, सनी भाई एवं उनके परिवार से जो भी हो, ये अपने गांव का टूर्नामेंट है। आपके परिवार से जो भी महिलाएं हैं उनको भी यहाँ पे आना है। आगे में टॉस का बॉस स्पॉन्सर साहब प्रवीण कुमार जी, बाबूलाल जी, अपील भाई और उचित भाई को मैं बुलाना चाहूंगा। अपील भाई को कहना चाहूंगा कि लाइव चालू है, आपके इस सहयोग से ये सीजन 9 जो भी सीजन हुए है 1 से 9 तक सक्सेस हुए है। हाँ, टीम स्पॉन्सर लक्षित कुमार जी, सुरेश कुमार जी, यशवीर योद्धा के ऑनर लक्षित भाई और लक्षित कुमार जी, सुरेश कुमार जी को मैं यहाँ पर निदेश भाई, मित जो भी यहाँ पर हाजिर है, जो टीम फाइनल में पहुंची है यशवीर योद्धा, उनका बहुमान होने जा रहा है। हाँ, हो सकता है आपका लक साथ दिया तो आप ट्रॉफी के साथ में भी आपका फोटो आएगा फाइनल ट्रॉफी के साथ में। उसके बाद मैं आमंत्रण देता हूं अमित कुमार जी, प्रवीण चंद जी, परमार इलेवन के कप्तान, जिन्होंने परमार इलेवन टीम अपने उतारी है इस टूर्नामेंट में, उनका बहुमान। इसके बाद मनोज भाई डी और ऋषभ भाई, विपिन कुमार जी, एमआर स्ट्राइकर्स को मैं बुलाना चाहूंगा। मनोज भाई जल्दी से आ जाइए, वो जल्दी से, मनोज भाई और ऋषभ भाई दोनों को मैं आमंत्रण देता हूं उनकी टीम एमआर स्ट्राइकर्स का बहुमान। उसके बाद तैयार रहे रॉबिन भाई, मुल्तानमल जी और एक सदग्रस्त शोटानी फाइटर्स को मैं आमंत्रण देना चाहता हूं उनके बहुमान के लिए। जिन्होंने भी अपनी टीमें इस टूर्नामेंट सीजन 9 में उतारी है उनका बहुमान होने जा रहा है। मनोज भाई डी और ऋषभ, विपिन कुमार जी जल्दी से आ जाइए हमारे स्ट्राइकर्स, और उसके बाद में रॉबिन, मुल्तान मल जी और एक सदग्रस्त सोटानी फाइटर्स, और उसके बाद नमन भाई, प्रवीण कुमार जी और भावेश भाई, अमृतलाल जी। हाँ, नमन भाई, प्रवीण कुमार जी और भावेश कुमार, अमृतलाल जी वो भी तैयार रहे, और उसके बाद आशीष कुमार, सुरेश कुमार जी और अमित कुमार, वसंत कुमार जी जो विहांस वॉरियर्स के ओनर है, उनको भी मैं आह्वान देता हूं। रॉबिन भाई, मुल्तान मल जी और एक सदग्रस्त सोटानी फाइटर्स, उसके बाद नमन कुमार, प्रवीण कुमार जी और भावेश कुमार, अमृतलाल जी, नवकार सनराइजर्स की टीम उन्होंने इस आरपीएल सीजन 9 में उतारी है। नमन कुमार, प्रवीण कुमार जी और भावेश कुमार, अमृतलाल जी जो हाजिर है वो ओनर है ना, आपरा है भावेश है। उसके बाद में आशीष कुमार, सुरेश कुमार जी और अमित कुमार, वसंत कुमार जी,
जिन्होंने वियांस वॉरियर्स अपनी टीम इस टूर्नामेंट में आशीष अमित कुमार वसंत कुमार जी इसके बाद में फूड स्पॉन्सर में जिन्होंने स्पॉन्सरशिप दी है जिन्होंने अपने नाम लिखा है शाह रमेश कुमार जी समरतमल जी पिनवाड़ा हितेश भाई नाम देखना पड़ी हाँ रमेश चंद जी समरतमल जी उसके बाद में सुरेश कुमार जी मेलाप चंद जी शाह सुरेश कुमार जी मेलाप चंद जी पिंडवाड़ा उसके बाद स्वर्गीय बालिका बहन अमृतलाल जी पिंडवाड़ा फूड स्पॉन्सरशिप में जिन्होंने अपना योगदान दिया है सुरेश कुमार जी मेलाप चंद जी उसके बाद स्वर्गीय बालिका बहन अमृतलाल जी पिंडवाड़ा उसके बाद श्रीमती बालिका बहन भरत कुमार जी पिंडवाड़ा परेश भाई विनल भाई श्रीमती बालिका बहन भरत कुमार जी उसके बाद शाह अरविंद कुमार जी नवलमल जी विरवाड़ा बालिका बहन भरत कुमार जी उसके बाद शाह अरविंद कुमार जी नवलमल जी विरवाड़ा उसके बाद शाह उदयराज जी वीरचंद जी नांदिया श्रीमान शाह उदयराज जी वीरचंद जी नांदिया उसके बाद राठौड़ परिवार झाड़ोली हितेश भाई राठौड़ परिवार से जो भी सदस्य हो विशाल भाई उसके बाद स्वर्गीय शाह जयंतीलाल जी वजेराज जी पिंडवाड़ा जयंतीलाल जी श्रीमान शाह जयंतीलाल जी वजेराज जी पिंडवाड़ा उसके बाद शाह ललित कुमार जी मगनलाल जी पिंडवाड़ा शाह ललित कुमार जी मगनलाल जी पिंडवाड़ा उसके बाद श्रीमती श्यामा बहन उत्तम चंद जी नादिया श्रीमती श्यामा बेन उत्तम चंद जी नादिया श्रीमती कांता बेन उत्तम चंद जी नादिया श्रीमती कांता बेन उत्तम चंद जी नादिया नीलकेश भाई दिलीप भाई कांता बेन उत्तम चंद जी उसके बाद श्रीमती कंचन बेन मेलाप चंद जी पिंडवाड़ा श्रीमती कंचन बेन मेलाप चंद जी पिंडवाड़ा कंचन बेन उत्तम चंद जी मिलाप चंद जी पिंडवाड़ा हाँ निमेश भाई उसके बाद शाह विक्रम कुमार जी नैनमल जी पिंडवाड़ा शाह विक्रम कुमार जी नैनमल जी पिंडवाड़ा शाह विक्रम कुमार जी नैनमल जी पिंडवाड़ा हाँ शाह विक्रम कुमार जी नैनमल जी पिंडवाड़ा अगर हाजिर हो तो कमेंट्री बॉक्स पर पहुंचे उसके बाद सिद्ध क्रिएशन विपुल एंड विपुल सिद्ध क्रिएशन उसके बाद में श्रीमती लीलाबेन चंपकलाल जी पिंडवाड़ा उसके बाद श्रीमती आशाबेन करणराज जी पिंडवाड़ा लीलाबेन चंपकलाल जी पिंडवाड़ा श्रीमती आशाबेन करणराज जी पिंडवाड़ा श्रीमती आशाबेन करणराज जी पिंडवाड़ा मेहुल भाई राहुल भाई आशाबेन करणराज जी स्वर्गीय उसके बाद में स्वर्गीय शाह पृथ्वीपाल जी धर्मचंद जी पिंडवाड़ा
मिंतेश भाई, स्वर्गीय सा पृथ्वीपाल जी धर्मचंद जी पिंडवाड़ा, उसके बाद स्वर्गीय सुशीला बेन दिनेश कुमार जी पिंडवाड़ा, मिंतेश भाई हो तो आ जाए, स्वर्गीय सा स्वर्गीय सुशीला बेन दिनेश कुमार जी पिंडवाड़ा नितिन भाई, उसके बाद स्वर्गीय रुक्मणी बेन ताराचंद जी पिंडवाड़ा, स्वर्गीय रुक्मणी बेन ताराचंद जी पिंडवाड़ा, श्रीमती बसीबेन किशनलाल जी भीरवाड़ा, विशाल भाई, श्रीमती बसीबेन किशनलाल जी भीरवाड़ा, उसके बाद श्रीमती सुधाबेन चंपालाल जी पिंडवाड़ा, श्रीमती सुधाबेन चंपालाल जी पिंडवाड़ा, रुक्मणी बेन ताराचंद जी पिंडवाड़ा, श्रीमती बसीबेन किशनलाल, श्रीमती सुधा बेन चंपालाल जी पिंडवाड़ा, श्रीमती बालिका बेन चंपालाल जी नांदिया, श्रीमती बालिका बेन चंपालाल जी नांदिया, श्रीमती बालिका बेन चंपालाल जी नांदिया, सा राकेश कुमार जी जुवारमल जी पिंडवाड़ा, सा राकेश कुमार जी जुवारमल जी पिंडवाड़ा, पिनेश भाई, राकेश भाई, श्रीमती शकुंतला बेन दिनेश चंद्री झाड़ोली, मनोज भाई, मेहुल भाई, मनोज भाई, श्रीमती उर्मिला बेन हिम्मतमल जी नांदिया, उर्मिला बेन हिम्मतमल जी नांदिया, सा प्रकाश चंद जी धर्मचंद जी पिंडवाड़ा, सा प्रकाश चंद जी धर्मचंद जी पिंडवाड़ा, सा नरेंद्र कुमार जी छगनलाल जी पिंडवाड़ा, सा नरेंद्र कुमार छगनलाल जी पिंडवाड़ा, सा दिनेश कुमार जी समरतलाल जी पिंडवाड़ा, सा दिनेश कुमार जी समरतलाल जी पिंडवाड़ा, उसके बाद में लास्ट सा केतन कुमार जी जयंतीलाल जी नांदिया, केतन कुमार कांतीलाल जी, केतन कुमार जयंतीलाल जी नांदिया, दो दिन से कमेटी में भी बहुत ही अच्छा सहयोग मिल रहा है केतन भाई का, और हर साल मिलता भी है, या ग्राउंड पीच पे पूरा खचाखच हमारी रुवाई के बहनों से भरा हुआ पीच है, और लगभग एक एक टीम में 20-20 मेंबर है, हेलो, हमारे इस आरपीएल में सीजन एक से लगाकर सीजन 9 तक जिन्होंने वाटर स्पॉन्सरशिप दी है बिना संकोच, कोई भी कमिटी हो उन्होंने अपना नाम दिया हुआ है, श्रीमती फुली बेन अंदराज जी पिंडवाड़ा जिन्होंने सीजन एक से लगाकर 9 तक वाटर स्पॉन्सरशिप में अपना नाम लिखा है, खूब खूब अनुमोदना है उनको, खूब खूब धन्यवाद है उनका, आरपीएल कमिटी सीजन 9 उनका हार्दिक अभिनंदन करती है जिन्होंने वाटर स्पॉन्सरशिप इस साल भी उन्होंने दिया है, श्रीमती फुली बेन अंदराज जी पिंडवाड़ा, हाँ बालिका बेन चंपालाल जी मैं नाम बोल रहा हूँ, कृपया उनके कोई भी सदस्य यहाँ पर हो अपना बहुमान लेकर जाए, सा दिनेश कुमार जी समरतमल जी पिंडवाड़ा, समीर सा विक्रम कुमार जी नैनमल जी अजारी पिंडवाड़ा, सा जयंतीलाल जी वजेराज जी पिंडवाड़ा, सा ललित कुमार जी मगनलाल जी पिंडवाड़ा, सिद्ध क्रिएशन विपुल एंड विपुल,
साहब पृथ्वीपाल जी, धर्मचंद जी पिनवाड़ा, कोई भी इनके सदस्य यहाँ पर हो तो अपना बहुमान यहाँ से लेकर जावे। केतन भाई ये सब रोटा दाल और छाछ खा करके सो गए घर पे जाके। हाँ पेवेलियम में जो भी हमारी बहनें और ग्राउंड में जो भी हमारी बहनें, कृपया मंच की ओर आ जाए। जो भी भाई बहन पेवेलियम में बैठे हैं वो कृपया मंच के सामने आ जाए। हमारे आरपीएल एक से लगाकर नौ तक जिन्होंने भी कमिटी मेंबर के रूप में अपना सहयोग प्रदान किया है उनका भी बहुमान होने जा रहा है। उसमें सबसे पहले मैं नाम लेना चाहूंगा कोई भी कार्य तभी सक्सेस होता है जब उसके पीछे उस कमेटी की मेहनत होती है और तभी जाकर आपका ये इवेंट इतना बढ़िया सक्सेस होता है। और उस सक्सेस के पीछे जिन कमेटी मेंबर्सों ने एक से लगाकर नौ तक सीजन में सहयोग दिया है उनका आरपीएल कमेटी सीजन नौ उनका बहुमान करना चाहती है। ऐसा ही आयोजन आगे भी होता रहे, कमेटी कोई भी आए लेकिन इतना सुंदर आयोजन होना चाहिए। वही उद्देश्य के साथ में आरपीएल कमेटी सीजन नौ सभी का बहुमान करना चाहती है। एक एक दिन नाम बोलते रहो, अन्य माता जी नाम बोलते रहो, अन्य माता जी बोल लो, सीरियल भाई सीजन एक में कौन तो सीजन बी में कौन तो ये क्या। थोड़ी ही देर में आरपीएल सीजन 9 का मेगा फाइनल यशवीर योद्धा वर्सेस एमआर स्ट्राइकर्स के बीच में खेला जाएगा। एमआर स्ट्राइकर्स जो कि इस सीजन में एक भी मैच अभी तक हार नहीं मानी है उन्होंने और तीनों मैच उन्होंने जीते हैं। और जैसे ही मेगा फाइनल पूरा होएगा रॉयल लेडीज का पहला मैच चालू होगा। हाँ सीजन एक के कमिटी मेंबर जो भी थे सीजन एक में उनका मैं नाम अनाउंस कर रहा हूं यहां से। सा ब्रावेश कुमार प्रकाश चंद जी, मितेश भाई यहां पर हो तो आ जाए। मितेश भाई भावेश कुमार प्रकाश चंद जी आरपीएल सीजन वन में जिन्होंने सहयोग प्रदान किया था उनका बहुमान। उसके बाद में श्याम मनोज कुमार जी, दिनेश चंद जी जाड़ोली जो आरपीएल सीजन वन के सब कमिटी मेंबर्स है उनका बहुमान। तीसरा नाम हेलो मनोज कुमार जी, दिनेश चंद जी शाह मितेश कुमार प्रकाश चंद जी सीजन एक। सा अमित कुमार जी, ताराचंद जी इन कमेटी के नेतृत्व के अंदर ही सबसे पहला आरपीएल सीजन एक की यहां से शुरुआत हुई थी उनके नाम है। उसके बाद राहुल कुमार जी, अमृत लाल जी पिंडवाड़ा, राहुल कुमार जी अमृत लाल जी पिंडवाड़ा, राहुल भाई उसके बाद शनि कुमार अशोक कुमार जी पिंडवाड़ा। एमआर स्ट्राइकर के ऑनर को छाछ का नशा चढ़ गया है। शनि भाई कोठारी, निखिल कुमार उत्तम चंद जी, यहीं से हमारे रॉयल प्रीमियर लीग की शुरुआत हुई थी। निखिल कुमार उत्तम चंद जी
उसके बाद रौनक कुमार जी, निर्मल कुमार जी, रौनक कुमार निर्मल जी, उसके बाद अगला नाम है बादल कुमार नवीन चंद जी, बादल कुमार नवीन चंद जी, कमिटी सीजन एक, सीजन एक के। उसके बाद समीर कुमार दिनेश कुमार जी, समीर कुमार दिनेश कुमार जी, हितेश कुमार रमेश चंद जी पिंडवाड़ा, विपुल कुमार अशोक कुमार जी नांदिया, वो भी यहाँ पर उपस्थित नहीं है, विपुल कुमार अशोक कुमार जी। विपुल कुमार अशोक कुमार जी, उसके बाद कीर्ति भाई ओटमल जी, कीर्ति भाई ओटमल जी, आदेश टावर वाला कोई, कीर्ति भाई ओटमल जी, राजेश कुमार अशोक कुमार जी, राजेश कुमार अशोक कुमार जी, परेश कुमार भरत कुमार जी, राजेश कुमार अशोक कुमार जी, उसके बाद परेश कुमार भरत कुमार जी, परेश कुमार भरत कुमार जी, उसके बाद राजकुमार सुरेश कुमार जी, राजकुमार सुरेश कुमार जी, बारिश कुमार नवीन चंद जी, बारिश कुमार नवीन चंद जी, उसके बाद विशाल कुमार मोहनलाल जी, विशाल कुमार मोहनलाल जी, विशाल कुमार मोहनलाल जी जाडोली, अक्षय कुमार अरविंद कुमार जी, विरल कुमार सुरेश कुमार जी, विरल कुमार सुरेश कुमार जी, संकेत कुमार विक्रम कुमार जी, ऋषभ कुमार बिपिन कुमार जी, और अंत में साकेतन कुमार जयंतीलाल जी। सीजन नौ तभी आप देख रहे हैं जब सीजन एक से लगाकर नौ तक सभी कमिटी मेंबर्स का और सभी रोई का सहयोग रहा है, तभी जाकर ये इवेंट, ये आयोजन सीजन नौ तक पहुंचा है। सभी सभी की तहे दिल से अनुमोदना हम करते हैं कि ऐसा ही सहयोग आपसे बना रहे, जो भी कमिटी आए, जो भी कमिटी जाए, लेकिन आपका सहयोग ऐसा ही बना रहे तो ये आयोजन लगातार चलता रहेगा। ऐसी उम्मीद के साथ आरपीएल कमिटी सीजन नौ, श्रीमती फुलीबेन अनराज जी पिंडवाड़ा, आशीष भाई, जिसका बेसब्री से इंतजार हो रहा है, ऐसा मेगा फाइनल अभी शुरू होने जा रहा है।
भेजेंगे कभी एक रन बड़े को रख लिया क्यों क्यों लेडी बात कर रहे हैं खेल के हर आरपीएल सीजन में हमारी माता बहनें हमारी बहनों की एक फरमाइश रहती है कि हमारे लिए भी एक क्रिकेट टूर्नामेंट आयोजन किया जाए। तो यहाँ आरपीएल कमिटी सीजन 9 ने डिसाइड किया है कि एक टर्फ मैच उनके लिए रखा जाएगा, उसका अनाउंस रॉय ग्रुप में दे दिया जाएगा, जब भी होगा तभी आपको जानकारी दी जाएगी। अभी जिसका इंतजार हम कर रहे थे ऐसा मेगा फाइनल यशवीर योद्धा और एमआर स्ट्राइकर के बीच में होने जा रहा है। टॉस बाकी है, दोनों टीमों के कप्तान को मैं यहां पर आमंत्रण देता हूं टॉस के लिए और हमारे टॉस के बॉस शाह प्रवीण कुमार जी, बाबूलाल जी परिवार, अपिल भाई और रुचित भाई टॉस के बॉस, उनकी स्पॉन्सरशिप उन्होंने लिए टॉस का बॉस। दोनों कप्तान कौन मेरे पास दिया दिया मेगा फाइनल के टॉस की ओर जाते हुए हम दो दिन का उत्साह भरा माहौल, सभी रॉय के मेंबर्स का सहयोग और कमिटी मेंबर्स की मेहनत, आज मेगा फाइनल की ओर हम जा रहे हैं सीजन 9 के। एमआर स्ट्राइकर्स और यशवीर योद्धा के बीच में टॉस होने जा रहा है फाइनल का। जल्दी से दोनों कप्तान टॉस का बॉस यहाँ पर आ जाए स्टेज पे। हाँ, अपी भाई आ चुके हैं, हमारे स्ट्राइकर कप्तान भी आ चुके हैं, यशवीर योद्धा के कप्तान नितेश भाई जल्दी से आ जाइए ना। हम पॉइंट्स आले वो होनो भाई आवन धमरु आवन। हाँ, योर वाइट गोल्ड है। हाँ नितेश भाई जल्दी से आ जाइए, ऊपर स्टेज पर आ जाइए बेटा, उनको बैठने दो अभी। टॉस होने जा रहा है मेगा फाइनल्स का यहाँ पर अपील भाई के द्वारा। एमआर स्ट्राइकर्स ने टॉस का बॉस बोला है, टॉस का बॉस एमआर स्ट्राइकर्स पहले बैटिंग लेना पसंद करेंगे। क्षेत्र रक्षण के लिए यशवीर योद्धा को आमंत्रण दिया है। एमआर स्ट्राइकर्स ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग लेने का निर्णय लिया है और यशवीर योद्धा को क्षेत्र रक्षण के लिए आमंत्रण दिया है। मेगा फाइनल बहुत ही आनंद के साथ हमको ये मेगा फाइनल यहां पर देखना है। समय से अपना कार्यक्रम चल रहा है। सवा तीन बजे 3:15 पर यह गेम शुरू होगा। एमआर स्ट्राइकर्स जो कि सभी तीनों मैच जीतकर फाइनल में पहुंचे हैं, यशवीर योद्धा जहां पर एक मैच हारने के बाद भी मेगा फाइनल में पहुंची है। आज के सेमीफाइनल में पहला सेमीफाइनल एमआर स्ट्राइकर्स और परमार 11 के बीच में हुआ, जिसमें बहुत ही कसमकस भरा मैच रहा वो और एमआर स्ट्राइकर उसमें विन हुई। दूसरा सेमीफाइनल यशवीर योद्धा वर्सेस
सोटानी फाइटर्स के बीच में हुआ, जिसमें यशवीर योद्धा विन हुए और फाइनल में प्रवेश किया। अभी फाइनल में यशवीर योद्धा वर्सेस एमआर स्ट्राइकर्स, एमआर स्ट्राइकर्स ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया है और यशवीर योद्धा को क्षेत्र रक्षण के लिए आमंत्रण दिया है। हमारे साथ हमारे ऑफिशियल कमेंटेटर अजय भाई ग्राज, मैं उनको माइक देना चाहूंगा।